हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीओ हजारीबाग में। मैं लेकर आया हूँ हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 5 के डीएससी 2 का क्वेश्चन, जो सेशन 2016 से 19 में आया था। इसमें तीन ग्रुप में क्वेश्चन दिए होते हैं और तीनों ग्रुप के क्वेश्चन को निर्देशानुसार हल करते हैं। ग्रुप ए में एक नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें हमें 2 क्वेश्चनों का उत्तर देना होता है। का नंबर क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी के तत्वों का विवेचना कीजिए। खा, एकांकीकार के रूप में विष्णु प्रभाकर का मूल्यांकन कीजिए। गा, कालपुरुष और अजंता की नर्तकी का सारांश लिखिए। घा, बादल का चरित्र चित्रण कीजिए। अंगा, एकांकी की परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए इसका महत्व सिद्ध कीजिए। ग्रुप बी में प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत 2 प्रश्न हैं और हमें दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हालांकि दोनों प्रश्नों में भी 2-2 प्रश्न हैं, जिसमें हमें मात्र एक एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। 2 का है, सेठ छितरमल के चरित्र की विशेषता बताएं अथवा प्रभा का चरित्र चित्रण कीजिए। खा नंबर क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ऐसा घर वर पाकर भी जो भाग्य को कोसते हैं, वे सचमुच अभागे ही होते हैं, अथवा आइए आइए जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। रामचंद्र जी, कोई बात नहीं, आप खुशी से मकान में रहिए। ग्रुप सी के 3 नंबर क्वेश्चन में 10 प्रश्न हैं, जिनमें सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अपने उत्तर संक्षिप्त में लिखें। का नंबर क्वेश्चन है, मनीषी किस एकांकी की पात्र है। खा, बादल की मौसी का नाम लिखें। गा, दीनू किस एकांकी का पात्र है। घा, पर्दे के पीछे के मुख पात्र का नाम लिखें। अंगा, पशु अस्पताल किसने खोला। चा, अनूप के मित्र का नाम लिखें। छा, माँ के एकांकीकार का नाम लिखें। जा, अनूप किस एकांकी का पात्र है। झा, पाठ आधारित उदय शंकर भट्ट के एकांकी का नाम लिखें। इया, एकांकी मंचन के क्रम में पर्दा कितनी बार गिरता है।